बैठने के बाद लव्या कहर ढाती है। क्या ढाती है? कहर ढाती है। कहर ढाती है। करके कहर ढाती है। तो ये लव्या का, अरे मजाक कर रहे थे, सीरियसली आप लोग मत लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे ही होंगे क्योंकि अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ लव्या का जो अभी पहनने वाला फ्रॉक सा हुआ मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। ज़्यादा हैवी फ्रॉक तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि ज़्यादा हैवी जो है वो बैग जो है ना, बैग के अंदर जो बॉक्स होता है उसमें रखा हुआ है। जो थोड़े बड़े हैं वो भी बॉक्स के अंदर है, बट जो वो पहनती है अभी जो उसके साइज का है, जो बाहर में था, बाहर मीन्स जो इस गॉगल में था, ये देखिए कि लव्या जो है किस तरह का ड्रेस पहनती है जब भी किसी पार्टी में जाती है या फिर कोई जब भी घर में पार्टी होता है तो वो किस तरह का ड्रेस पहनती है, तो वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो वो उस गॉगल्स में है, तो वो उस गॉगल्स में है और कुछ इसमें था तो इसको खोल के मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे दोनों गॉगल्स का बुरा हाल है, मतलब ऊपर से नीचे तक इतना भरा पड़ा है कि किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी पक्का। तो अभी मैंने निकाल लिया है, बाकी जो उसके ज़्यादा हैवी ड्रेसेस है वो तो बॉक्स के अंदर है, वो भी किसी दिन दिखाऊंगी, पर अभी जो है सामने वो दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये ड्रेस। जो कि लव्या को हमने थर्ड बर्थडे में दिया। ये लव्या का थर्ड बर्थडे वाला फ्रॉक है। इसपे रोज रोज का ये बना हुआ है पूरा और पहनने के बाद काफी ज्यादा घेर आता है इसमें क्योंकि केन है अंदर में दिया हुआ, तो काफी ज्यादा घेर आता है और पहनने के बाद लव्या बहुत अच्छी लग रही है इसमें। मैं इस जैसे कि मैं ये वीडियो जाएगा तो इस वीडियो के साथ लव्या के जो ड्रेसेस वाले फोटो है वो ढूंढूंगी, अगर मिल गया, क्योंकि सारा इस समुंदर में, समुंदर मीन्स कंप्यूटर में है, मिलना मुश्किल हो जाता है, इतने सारे फोटो हैं, 10 साल 5 साल पहले वाला फोटो से भरा पड़ा है, तो नहीं मिलता है जल्दी, पर मैं ढूंढूंगी जरूर, अगर मिल गया तो मैं ड्रेस के साथ फोटो भी आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। तो पहला फ्रॉक लव्या का ये हो गया। आप नहीं आ पा रहे बेटा। एंड सेकंड फ्रॉक ये है, ये देखिए, जो कि मेरे फूफा जी ने लव्या को दिया था। फूफा जी मीन्स लव्या के जो फूफा नाना है वो दिया था मेरे पीसा जी ने। तो ये है, ये भी लव्या को थोड़ा थोड़ा छोटा आने लगा है, पर अभी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, लेकिन उतना जो है अच्छे से नहीं आता, थोड़ा छोटा आता है। थर्ड फ्रॉक ये है, ये देखिए, इसमें भी काफी घेर है क्योंकि इस पे पता नहीं कितने, एक है, काफी प्लेटेज है इसमें, तीन चार चार है और अंदर में केन लगा हुआ है, तो इसमें भी काफी ज्यादा घेर है। एंड पीछे से इस तरह से है, रबर दिया हुआ, जो कि पहनने के बाद बिल्कुल ये फिटिंग हो जाता है, लूज नहीं होता है। तो ये पहनने के बाद लव्या काफी अच्छी लगती है, काफी प्यारी लगती है। तीन ड्रेसेस इधर हो गए जो कि मैंने इधर से निकाला। फोर्थ फ्रॉक ये है, ये भी लव्या को गिफ्ट मिला है, ठीक है, अच्छा है, पहनने के बाद काफी अच्छी लगती है। को लग रहा है कि मेरे ड्रेसेस के साथ आज मम्मा क्या कह रही है, मम्मा तो हमेशा अपना वीडियो बनाती है तो मेरे ड्रेसेस का वीडियो क्यों बना रही है, तो इसलिए वो थोड़ा सही है। एंड ये काफी प्यारा एंड काफी महंगा फ्रॉक जो कि लव्या को फर्स्ट बर्थडे में हमने दिया था, ये देखिए, यहाँ से ये हॉप शोल्डर वाला है, यहाँ से ऐसे रहेगा और ये शोल्डर पे रहेगा एंड ये हॉप शोल्डर डिजाइन है और ये देखिए कितना प्यारा फ्रॉक है, काफी मोटा, काफी ज्यादा घेर, पहनने के बाद बिल्कुल परी जैसी, प्रिंसेस जैसी लगती है,
तो फर्स्ट बर्थडे तो समझते ही होंगे। फर्स्ट बर्थडे का मैं कुछ फोटो भी आप लोग को दिखाऊंगी लव्या का, क्योंकि इसका फर्स्ट बर्थडे जो हमने सेलिब्रेशन किया था तो काफ़ी अच्छे से किया था, रेस्टोरेंट में किया था, बहुत सारे लोग आए थे तो बहुत सारा इन्जॉय। उस टाइम पर मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी, इसलिए मैं लव्या का फर्स्ट बर्थडे आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, पर कोई नहीं, अब तो कुछ भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये जो आपको आगे में ये फ्लावर दिख रहा है ना, एक सेकंड थोड़ा सा कैमरा को ये करती हूँ। हाँ, आपको जो ये आगे में दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं था, ये ब्लू इधर जैसे प्लेन है, इधर भी प्लेन था। तो जिस दिन लव्या का बर्थडे था उस दिन हमने देखा तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, हमने बोला यार ये बिल्कुल यहाँ पे उदास लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस टाइम मेरी बड़ी सिस्टर आई थी तो उनको मैंने बोला कि ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मैं वो बोली क्या जो कि मार्केट जाना और वहाँ से कुछ इस तरह का ये ले जाना फ्लावर। फिर मैं मार्केट गई और काफ़ी ढूंढने के बाद आप समझ सकते हो कि ड्रेस से मैच करता हुआ चीज़ बिल्कुल मिल जाए और फटाफट मिल जाए बहुत मुश्किल है। मैंने काफ़ी ढूंढा, फिर जाके हमें ये मिला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ्लावर है ये अलग से लगा हुआ, ये तो पहले से लगा हुआ है ये वाला, बाकी ये जो लगा हुआ ये हमने अलग से लगाया है जो कि मेरी सिस्टर ने लगाया था। और जब उसके बाद लव्या ने पहना तो काफ़ी प्यारी लग रही थी। तो थोड़ा सा आप लोग को भी अगर कुछ कभी कमी लगे तो कभी कुछ थोड़ा सा कर सकते हैं जिससे कि अच्छी लग सकती है। तो ये हो गया फ्रॉक लव्या का बहुत, और पीछे से देखिए इस तरह से है, पीछे जीप लगा हुआ है। के बाद है एक ये ड्रेस जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है, इसे फ्रॉक भी नहीं बोल सकते हैं, इसे पता नहीं क्या बोल सकते, ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट ये फ्रॉक भी नहीं है, ये काफ़ी फैशनेबल ड्रेस है। पहनने के बाद लव्या का पूछो मत, लव्या कहर ढाती है, कहर क्या ढाती है लव्या, लव्या पहनने के बाद लव्या कहर ढाती है, क्या ढाती है, कहर ढाती है। तो ये है लव्या का, अरे मजाक कर रहे थे, सीरियसली आप लोग मत लीजिएगा। और ये है, और ये भी काफी महंगा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक इस तरह से अच्छा लुक आता है। एड्रेस है ये देखिए, ये भी लव्या का फर्स्ट बर्थडे का है, क्योंकि लव्या के फर्स्ट बर्थडे पे हमने दो तीन ड्रेस सेलेक्ट किया था, क्योंकि हम ये बनाए थे प्लानिंग कि लव्या को ड्रेस चेंज करेंगे, कम से कम दो तीन तो चेंज करेंगे ही, तो तीन तो नहीं किए बट दो ड्रेस जरूर चेंज किए थे। पहले ये पहनाए थे एंड जब केक कटिंग हो रहा था उस टाइम पता नहीं, उतना ध्यान नहीं है, पर शायद यही पहना के ले गए थे लव्या को, यही पहनाए थे, वो भी पहनाए थे, हाँ वो भी पहनाए थे, बट केक कटिंग के बाद वो पहनाए थे, पहले ये पहनाए थे। ये ड्रेस तो और अच्छी है, ये देखिए सामने से पूरा ये है और नीचे से ये देखिए, एक सेकंड में थोड़ा सा कैमरा को टैप कर दिए, काफी प्यारी है, पीछे से भी देखिए, पीछे से भी ये पूरा वर्क किया हुआ है, तो काफी लव्या प्यारी लग रही थी इसमें, क्या बताऊं कितनी प्यारी लग रही थी। तो पीछे से ये देखिए, सामने से ये, तो ये ड्रेस लव्या को फर्स्ट बर्थडे पे मिला था एंड वो पिंक वाला, दो ड्रेस लव्या को फर्स्ट बर्थडे पे मिला था। लव्या के जो फ्रॉक है, फ्रॉक मैंने दिखाया, बाकी जो लव्या की जीन्स वगैरह है, स्कर्ट वगैरह है, जो भी है फैशनेबल, वो सारे इसमें है, ये जो लव्या का दिख रहा है इसमें सारे ड्रेसेस है, जो कि मैं अभी नहीं दिखा सकती, अगर दिखाने लग गई तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बस अभी आप लोग को लव्या का हैवी ड्रेसेस, हैवी फ्रॉक दिखा रही थी, जो कि मैन है और कभी पहनती भी नहीं है, कितना भी मैन हो कुछ भी हो, सिंपल ड्रेस ही बच्चे पहन ले तो पहन ले, और हम लोग पहनाते भी नहीं है क्योंकि सिंपल ड्रेस ही काम आते हैं। अगर आप हैप्पी में पैसा वेस्ट कर रहे हो तो जब पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, बर्थडे है, उसी टाइम वो ड्रेस काम आता है, बाद में ड्रेस बिल्कुल काम नहीं आता है, ये मैंने खुद भी नोट कर लिया है।
और अब यही कोशिश करती हूँ कि बर्थडे भी हो तो बच्चे को वही ड्रेस दो जो बच्चे पहन सके। हाँ वो होता है ना कि फुल पैसा वसूल वाला काम, तो वो काम करना चाहिए, पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब जिस तरह का जो होता है हम लोग उस तरह का ड्रेस ले लेते हैं। पर अब बताइए कि ये जो ड्रेस है, वो जो ड्रेस फ्रॉक है, इस सब में इतने पैसे लगे हैं क्या बताऊँ। पर ये अब तक मैं 3 से 4 बार भी नहीं पहना गया है, 1 से 2 बार पहनी है बस। और लव्या फर्स्ट बर्थडे था लव्या का 2016 में, और ये 2020 चल रहा है। 4 साल से सारे ड्रेसेस लव्या के ऐसे ही पड़े हैं, तो पड़े पड़े ही छोटे हो जाते हैं। इसलिए जो है कभी भी ज्यादा महंगे ड्रेसेस में जो है पैसा वेस्ट करना नहीं चाहिए। सिंपल ड्रेस लो जो कि फुल पैसा वसूल वाला काम हो जाए। तो ये था, और बहुत सारे फ्रॉक है जो कि बॉक्स के अंदर है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, तो वो तो अब नहीं निकाल सकती क्योंकि बहुत मेहनत है उसमें। जो सामने था आगे था वो मैंने दिखा दिया, बाकी जब निकालूंगी तो वो भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। और इसमें जो है वो तो अभी मैं नहीं दिखा, क्योंकि ये भी समुद्र है, इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। बस वैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक बिल्कुल, ये एक सेकेंड, ये देखिए लव्या दिखा रही है आपको, वो पूरा उसमें भी भरा पड़ा है। ये देखो वो भी पूरा भरा पड़ा है। अगर मैं दिखाने लग गई तो जो है काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर वीडियो आप लोग भी नहीं पूरा देखोगे, आप लोग भी पूरा नहीं देखोगे और वीडियो को बंद कर दोगे। इससे अच्छा है कि आज इतना ही रहने दो, नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं लव्या का सारा ड्रेसेस आप लोग को दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी इसमें से कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लगा कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, और लव्या की मस्ती कैसी रहती है ये भी जरूर बताना। ये देखो क्या पहन के दिखा रही है, दिखा दूंगा। आज का छोटू सा ब्लॉग लव्या के नाम, आज का ये मेरा वीडियो नहीं है, लव्या का है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा अच्छा लगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और वीडियोस देखते रहिए। और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले, और जब भी मैं वीडियो डालूं तो आप वीडियो देख सकें। तो उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना पड़ता है, वो जरूर कर लीजिएगा, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिएगा ज़्यादा अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं। हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो मुझ पर। चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।